नमस्कार दोस्तों, ठंड के मौसम में हीटर सभी को लेना है, बट हीटर आपके लिए जितना ही लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हीटर कितने प्रकार के होते हैं और इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है, रूम में हीटर चलाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रूम हीटर मुख्यतः तीन प्रकार के आते हैं। पहला रेडिएंट हीटर, इसको आप पर्सनल हीटर भी बोल सकते हैं। यह हीटर लो प्राइस में आते हैं और रेडिएंट हीटर भी तीन प्रकार के एलिमेंट में आते हैं, हाइलोजन, क्वार्ट्ज और कार्बन एलिमेंट। दोस्तों, रेडिएंट हीटर में कार्बन एलिमेंट हीटर सबसे अच्छा और सुरक्षित माना जाता है। रेडिएंट हीटर का प्राइस 1200 से स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा कन्वेक्शन एयर ब्लोअर हीटर, यह हीटर रेडिएंट हीटर से थोड़ा कॉस्टली आते हैं, बट यह रेडिएंट हीटर से सुरक्षित और कम हानिकारक वाले हीटर होते हैं। इस हीटर में फैन रूम हीटर, पीटीसी रूम हीटर, ये सभी वेरिएंट उपलब्ध हैं। इस हीटर का स्टार्टिंग प्राइस 2500 से 3000 रुपया है। तीसरा ऑयल फील्ड रूम हीटर, यह हीटर बहुत ही कॉस्टली आते हैं, इसका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 8000 रुपया है। यह हीटर और हीटर के मुकाबले महंगे हैं। यह सभी हीटर में सुरक्षित हीटर है। दोस्तों, हीटर चलाते समय आपको कुछ सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले घबराना, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप हीटर चलाते समय बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ें। हो सके तो हीटर को किसी ऊंचाई वाले जगह पर रख सकते हैं, यह बच्चों के लिए काफी खतरनाक है। दोस्तों, हीटर आपके रूम का ऑक्सीजन लेवल और ह्यूमिडिटी पर भी असर डालता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए आप जब भी हीटर का यूज करें तो आप अपने रूम के किसी कोने में एक बाल्टी पानी जरूर रखें। अगर आपके रूम में विंडो है तो हीटर चलाते समय इसको ओपन रखें। इससे आपके रूम में हवा तेजी से अंदर बाहर होती रहेगी, जिससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। लगातार हीटर के यूज न करें, यह हानिकारक है। दोस्तों, अस्थमा के रोगियों के रूम में हीटर का यूज न करें, और अगर यूज करना भी है तो ऑयल फील्ड हीटर का ही यूज करें। यह ऑयल फील्ड हीटर ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी पर ज्यादा असर नहीं डालता है, यह सबसे सुरक्षित हीटर है। दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमको कमेंट करें, वहां पे हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।